आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2020 के एग्जाम को देखते हुए जीके के सामान्य ज्ञान सेट 4 को देखेंगे। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है, मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइटर्स जो है एक समाचार एजेंसी का नाम है जिसका जो मुख्यालय है वह यूके में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन्स के समूह को क्या कहा जाता है। तो डॉल्फिन के समूह को जो है पॉन्ड कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जोसेफ थॉमसन ने की थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है। तो इलाहाबाद के स्तंभ में जो है वह समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां है उत्कीर्ण है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो मनुष्य की लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो है इमाइलेज। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, इमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है। तो वित्तीय घाटा शब्द जो है वह भारत सरकार के वो जो है वह वित्त मंत्रालय से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह उसकी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल देता है। मतलब स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलता है। तो स्थितिज ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द परमाणु को किसने खोजा। तो परमाणु की खोज किसने की। तो इसका जो आंसर है वो है कनाद। मतलब शब्द परमाणु को किसने खोजा, तो कनाद ने जो है परमाणु शब्द को जो है खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर झुकी हुई होती है वह क्या कहलाता है। तो वह जो है अवतल दर्पण कहलाता है, जिसकी परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे जो है हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अतिलपन विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो जो है कंगारू जो है अतिलपक विकसित बच्चों को जन्म देता है। मतलब जब कंगारू के बच्चे जन्म लेते हैं तो वह चलने फिरने के लिए मतलब होशियार रहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था वह कौन सा था। मतलब उसका क्या नाम था। तो उसका जो नाम है शेफील्ड फुटबॉल क्लब नाम था, जो कि दुनिया में पहला विश्व फुटबॉल क्लब बना था 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में डैश की खेती के कारण 1859 और 60 में विद्रोह शुरू हुआ था। तो बंगाल में जो है नील की खेती के कारण जो है 1859 और 60 के समय में जो है विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है। तो पीवी सिंधु जो है निम्नलिखित में से बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण करता है। मतलब चंडीगढ़ में जो स्थित है रॉक गार्डन उसका निर्माण किसने किया था। तो रॉक गार्डन का जो निर्माण है वह नेक चंद ने किया था।
तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से प्रवर्तित होती है तो वह होता है, क्या होता है उस मतलब, तो इसका जो आंसर है वो है प्रतिध्वनित होता है, प्रतिध्वनि होता है। जब कोई ध्वनि कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से प्रवर्तित होता है वह जो है प्रतिध्वनि होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने डैश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत जो है मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बनाया गया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पास भार की परिवर्तन की दर ऊंचाई के साथ डैश के सापेक्ष परिवर्तित होता है। तो पृथ्वी की सतह के पास भार परिवर्तन की दर ऊंचाई के साथ जो है वह h माइनस स्क्वायर के सापेक्ष परिवर्तित होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय डैश समाज के महानतम शासक थे। तो कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वेडी प्राइवेट प्रोग्राम मतलब TPP जिसका उद्देश्य गरीब उन्मूलन करना है एवं गरीबों और वंचित के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है कब शुरू किया गया था। तो TPP का जो शुरुआत हुआ था वह जो है 1975 ईस्वी में हुआ था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह है 6.4 × 10⁶ मीटर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था उस समय जो है भारत के जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया जब डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा किया, मतलब पहला जो कर्नाटक में युद्ध लड़ा गया था जब डुप्ले के नेतृत्व में, तो उस समय फ्रांस जो था वह मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव को सही क्रम क्या है। तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो द्वितीय आयनन का विभव का सही क्रम जो है वो है O इज ग्रेटर देन F, मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो यह जो है हमारे सेट 4 के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।